दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम है, जहां पर भी रहेगा जिग्नेश लड़ेगा, बहुत कुछ बदलेगा। हम जब रहेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। आज ही सब कुछ थोड़ी कह देंगे, चाय में दूध मिला नहीं पाता, बिना दूध की चाय पी रहा है वो, इतनी प्रचंड महंगाई। संघर्ष करो, क्रांति करो, इंकलाब लाओ, इससे बड़ी क्या भूमिका। राहुल मेवानी आज कांग्रेस दफ्तर में है, और क्या गुजरात में बीजेपी के हाथ में त्रूप का पत्ता हाथ लग गया है? क्या क्या भूमिका होगी आपकी आपको ये गुजरात में? देखिए, बात केवल गुजरात की नहीं, जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई उसने पूरे इस मुल्क में उत्पात मचाया है। जो शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत था, जो ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना था, उसके बजाय ये लोग डेस्परेट है, कहीं ना कहीं हिटलर मुसोलिनी या नाथुराम गोडसे के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। जो मुझे अपना बेटा मानती थी, उस गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। मेरा भाई रोहित वेमुला, उसकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई। जस्टिस लोया का खून हो गया। जीएसटी नोटबंदी के चलते पूरा व्यापारी वर्ग खत्म हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं। बेरोजगारी और महंगाई के सवाल उस कदर पर उसकी चरम सीमा पर है कि आज गुजरात में और पूरे देश में जो 50 करोड़ के करीब जो श्रमजीवी है, मेहनत कश जो जनता है, उसका 40% लोग एक सर्वे के मुताबिक चाय में दूध मिला नहीं पाता, बिना दूध की चाय पी रहा है वो, इतनी प्रचंड महंगाई है। ये तो भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं था। तो उसको बनाने के लिए अभी जो हो रहा है उसको पहले रोकना पड़ेगा, और उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में नेतृत्व किया है, वो पार्टी INC। जिग्नेश, आप एक बड़े चेहरा हैं, और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो पार्टी में आपकी क्या क्या केंद्रीय स्तर पर क्या भूमिका तय होगी? क्योंकि कोई तो बात हुई होगी ना, क्योंकि आज के समय में सुन तो लीजिए सर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया है। पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता आके कह रहे हैं कि 2 OBC और 1 शेड्यूल कास्ट का मेरे पास मुख्यमंत्री है। जिग्नेश उसी आए हैं, 21 करोड़ आबादी, आपने खुद मन से कहा है, आपको क्या लोग SC समाज के लोग खासकर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कि हमारी भागीदारी क्या होगी, हमारा नेता कहाँ होगा, आपकी क्या भूमिका होगी कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस में? राइट, तो जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके साथ शेयर किया कि मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ, तो एक लीगल टेक्निकलिटी के चलते इस वक्त भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य लूंगा तो MLA के तौर पे बरकरार नहीं रह पाऊंगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदारों को, जिस जनता ने मुझे चुनकर इस मुकाम पर पहुंचा है, उनको मैं हर्ट करना नहीं चाहता हूं, इसलिए अभी पार्टी में नहीं जुड़ रहा हूं। लेकिन जिग्नेश मेवाणी संघर्ष का प्रतीक है। दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, माइनॉरिटीज हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम है, जहां पर भी रहेगा जिग्नेश लड़ेगा। आप देश भर में दौरा करेंगे? देश भर में दौरा करेंगे, लेकिन पहले गुजरात में चुनाव है, गुजरात में तो थोड़ा उनको रगड़ दिया जाए। सत्य के प्रयोग करने वाले गांधी जी के गुजरात में, झूठ के प्रयोग वाले ये मोदी जी पैदा हो गए, तो पहले भाजपा का वहाँ एक निपटारा हो, फिर 24 है। लोग आपको गुजरात में CM या डिप्टी CM देख रहे हैं कि हार्दिक और जिग्नेश का कॉम्बिनेशन होगा, CM डिप्टी CM, कौन डिप्टी CM होगा, कौन CM होगा? फॉर्मली सदस्यता का पर्चा नहीं भरा सर, चुनाव तो आप लड़ेंगे ना कांग्रेस के, कांग्रेस से सिंबल से आपने कहा चुनाव लड़ेंगे। हाँ तो लड़ेंगे, पहले भाजपा को हराया जाए, फिर मैं हार्दिक और हम दोनों सीनियर लीडर के साथ आपसे आपस में बात करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, पहला फोन आपको करूंगा। एक व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुश हो गए, मुझे मालूम है, क्योंकि आप मुझे जानते हैं उना के दिनों से। मेरा एक व्यक्ति, वो जिग्नेश नहीं बदलेगा, चिंता मत करिएगा। एक सवाल है सर, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, कांग्रेस अब उस पर बात करने लगी, अब इसी हेडक्वार्टर में कभी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात नहीं होती थी, क्या कांग्रेस को आप लोगों ने बदला है? पहले से बातचीत हुई थी राहुल गांधी से, क्या बदला? चूंकि आपके तेवर अलग हैं, आपकी सामाजिक राजनीतिक समझ अलग है, इन लोग की अलग थी, क्या वो सेंटर पॉइंट पे आ रहा है? बहुत कुछ बदलेगा, हम जब रहेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। आज ही सब कुछ थोड़ी कह देंगे, देश भर के वो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बहुजन जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो रोहित बमूला से जोड़ते हैं, जो जिग्नेश मेवानी से खुद से जोड़ते हैं, और जो लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ रहेंगे। और न केवल जो जन आंदोलन की राजनीति में है, दलित बहुजन, जो भी प्रगतिशील साथी, जिस मूवमेंट से मेरा सालों तक सरोकार रहा है, उनके लिए मेरा सम्मान इंटेक्ट रहेगा, वो बरकरार रहेगा। उन कार्यक्रमों में भी जाएंगे, पार्टी के कार्यक्रमों में भी जाएंगे, आंदोलन का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई भूमिका तो बिना संघर्ष के कुछ नहीं बदलता, बिना कोई भूमिका तो कांग्रेस में तय हुई होगी सर, कोई कुछ तो बता तो लेने दीजिए, बिना सदस्य तो भूमिका कैसे तय? मैं बोल दूं वो तमाम लोगों को बड़ी भूमिका हुई है, संघर्ष करो, क्रांति करो, इंकलाब लाओ, इससे बड़ी क्या भूमिका। राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उनके बारे में क्या कहेंगे, जो बातचीत हुई उससे अभी क्या आपको लगता है? पर्सनली आपको बोलने के फोन करके
ऑन कैमरा नहीं कहेंगे। जिग्नेश मेवानी है, एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस बड़े बदलाव से गुजर रही है। कांग्रेस को लगता है कि अब बगैर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात किए हुए, उसको रिप्रेजेंटेशन दिए हुए, उनकी नाव नहीं बचने वाली है। जिग्नेश मेवानी त्रुप का पत्ता है, एक बड़े बेनिफिशरीज के तौर पे वो हाथ लगे हैं कांग्रेस को। और मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सड़कों पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवा संघर्ष कर रहे हैं, जिग्नेश मेवानी उसी में से है। फिलहाल वो कांग्रेस के साथ हैं, देखना है कांग्रेस में उनकी भागीदारी क्या होती है और वो समाज को कितनी भागीदारी दिला पाते हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।